एक्टर विनोद मेहरा अपनी सहज अभिनय के लिए जाने जाते हैं। 70 और 80 के दशक में विनोद मेहरा एक ऐसे एक्टर उभर कर सामने आए जिनकी एक्टिंग की शैली से सभी प्रभावित हुए। विनोद मेहरा ने महज 45 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बूंदे नहीं सितारे कब साथी हम है खादिम तुम मखदूम अल्लाह रे अल्लाह से तुम हो मेरी निगाहों में हर नजारा हसीन लगता है देखिए साहब रफी साहब जैसा सिंगर वैसे मेरे ख्याल से तो ना कभी पैदा हो सकता है ना कभी पहले हुआ था और ना कभी हो सकता है। उनकी गायकी के बारे में मैं कुछ कहूँ तो मतलब ये कुछ चांद के बारे में बात करने वाली बात है तो उसमें कुछ कहने जैसे मैंने आपके सामने दिलीप कुमार के बारे में कहा था कि ये रफी साहब का भी वही कैलिबर है एज अ सिंगर कि जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक लाइन कहूँगा बहुत लंबी नहीं कहूँगा कि सिंगर्स बहुत आ जाएंगे शायद ये वैक्यूम फिल भी कर देंगे रफी साहब का लेकिन रफी साहब वापस नहीं आ सकते। वो जो उनकी बात है वो मेरे ख्याल से नहीं आ सकती जो उनकी आवाज में एक बात है मुझे नहीं लगता कभी भी आ सकेगी। विनोद मेहरा ने चरित्र भूमिकाएं निभाते निभाते भी ये फैसला भी किया था कि क्यों ना प्रोड्यूसर बन के फिल्म प्रोड्यूस की जाए लेकिन ये दौर उनके अंतिम दिनों का दौर था। ये किसी ने नहीं जाना कि उनकी फिल्म गुरुदेव वो पूरी नहीं कर पाएंगे और यही हुआ। दोस्तों फिल्म गुरुदेव शुरू तो हुई लेकिन पूरी नहीं कर पाए विनोद मेहरा बल्कि इसी दौरान वो इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। तारा हसीन लगता है चांद के पास जो सितारा है। विनोद मेहरा बॉलीवुड के बेहतरीन अदाकारों में से एक रहे हैं भले ही वे मेनस्ट्रीम एक्टर जैसा स्टारडम नहीं पा सके हों मगर उन्होंने अपने अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक खास जगह जरूर बनाई है। वही एक हीरो के बारे में आम लोगों की राय ये होती है कि वो खिलंदर किस्म के रोबिले व्यक्तित्व का मालिक होता है लेकिन विनोद मेहरा रोमानी जज्बे से भी भरपूर थे। इंसान जिंदगी में जो पहला एक रुपया कमाता है उसके लिए वो खुद मेहनत करता है उसके बाद वो एक रुपया उससे मेहनत करवाता है ताकि वो और रुपयों को अपनी तरफ खींच सके। इंसान इंसान नहीं रह जाता दौलत का गुलाम बन जाता है। विलन को अपनी स्टाइल में फाइट करके चिट किया करते थे तो कभी इंस्पेक्टर बनके इंस्पेक्टर आप पागल बन रहे वक्त जाए मत करो वरना एक और खून हो कानून के रखवाले की शक्ल में हमारे सामने होते थे वैसे एक प्रेमी के रूप में भी पर्दे पर विनोद मेहरा खूब जचते थे। 13 फरवरी सन 1945 को अमृतसर के एक कपड़ा व्यापारी के परिवार में इनका जन्म हुआ। बाद में इनका परिवार मुंबई आ गया। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बाद विनोद मेहरा ने कुछ समय मॉडलिंग भी की थी। विनोद मेहरा की पारिवारिक पृष्ठभूमि फिल्मी इसलिए कही जा सकती है कि उनकी बहन शारदा विनोद मेहरा के पहले से ही फिल्मों में काम किया करती थी। बतौर बाल कलाकार विनोद मेहरा की हिंदी फिल्मों में एंट्री हुई और तमाम धार्मिक सामाजिक फिल्मों में उन्होंने कई भूमिकाएँ अदा की। फिल्म शारदा में राज कपूर रोल भी विनोद मेहरा ने ही किया था। रफ्ता रफ्ता चस्का बढ़ता रहा और वो फिल्मों के हो गए। विनोद मेहरा को बतौर नायक पहली फिल्म मिली थी एक थी रीटा इसके निर्माता थे महाचाप चंद्र भोजा। बाद में इसी फिल्म का रिमेक बना एक थी लड़की
जिसमें विनोद मेहरा ने मशहूर अभिनेता मोतीलाल और अभिनेत्री तनुजा के साथ काम किया था। फिल्म सामान्य रही, लेकिन उस समय 28 वर्षीय विनोद मेहरा का कॉन्फिडेंस जरूर कायम हो चुका था। कोई तो सिखा दे हमें। सिलसिला चल निकला और विनोद मेहरा ने एक के बाद एक कुल 35 फिल्मों में हीरो की भूमिका निभाई। कैसे कहूं क्या हो गया, कल मेरा दिल थी। उस दौर की विनोद मेहरा की चर्चित फिल्में थीं योगिता बाली के साथ पर्दे के पीछे, रेखा के साथ ऐलान, इसके अलावा बिंदिया चमकेगी, घर, प्यार की जीत, दो झूठ, दो फूल, रफ्तार, नाटक सफ़ेद झूठ और साजन की सहेली। दोस्तों, विनोद मेहरा ने अपने फिल्मी जीवन के दौरान 100 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। नायक के अलावा अन्य चरित्रों को निभाने के लिए उनकी कुछ फिल्में हमेशा याद रखी जाएंगी, जैसे लाल पत्थर, अमर प्रेम और जानी दुश्मन। फिल्म कर्तव्य और टक्कर यदि आपने देखी हो तो आपको याद होगा विनोद मेहरा का खलनायकी का अनोखा अंदाज। बतौर नायक सफ़ेद झूठ, घर, नीलिमा, उस पार और बेमिसाल जैसी मशहूर फिल्मों में उनके अभिनय की सभी ने तारीफ की और उन्हें भरपूर सराहा गया। हिंदी फिल्मों में खास बात ये होती है कि नायक की उम्र यकीनन नायिका से ज़्यादा तो होती है, लेकिन एक ऐसा भी दौर आता है जब नायक को भी चरित्र भूमिकाओं पर निर्भर हो जाना पड़ता है। ये पढ़ाव विनोद मेहरा के फिल्मी सफ़र पर भी आया और उन्होंने दिल से इसे अपनाया, स्वीकार किया। दोस्तों, विनोद मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया और फिल्में अच्छी चली भी। जुर्माना ज़रूर देखी होगी आपने। बेमिसाल के अलावा फिल्म खुददार भी आपने देखी होगी, जिसमें विनोद मेहरा बने थे अमिताभ बच्चन के छोटे भाई। विनोद मेहरा को याद करें और उनकी फिल्म दादा का कोई गीत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने करीब 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं। 30 अक्टूबर 1990 में विनोद मेहरा का निधन मुंबई में हुआ था और उनका जन्म 13 फरवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। विनोद मेहरा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार की थी। उस वक्त उनकी उम्र केवल 13 साल की थी। फिल्म रागिनी में विनोद मेहरा को बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में ऑफ़र मिलने लगे। फिल्मों में लगातार ऑफ़र मिलने के बाद भी विनोद मेहरा का मन नहीं लगा। साल 1965 में विनोद मेहरा एक बड़े प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी करने लगे। इसी दौरान दोस्तों के कहने पर उन्होंने ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। इस कॉन्टेस्ट के फाइनल में उनकी टक्कर राजेश खन्ना से हुई। राजेश खन्ना विजेता बने जबकि विनोद मेहरा दूसरे नंबर पर रहे। साल 1971 में फिल्म एक थी रीता से विनोद मेहरा ने बतौर युवा एक्टर डेब्यू किया। उनका फिल्मी करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था, हालांकि उनकी माँ को शादी की चिंता होने लगी थी। विनोद मेहरा अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने माँ के कहने पर मीना ब्रोका से अरेंज मैरिज कर ली। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में इलाज के बाद विनोद मेहरा की जान को बचाया जा सका। फिल्म करने के दौरान विनोद मेहरा का दिल अपनी हीरोइन बिंदिया गोस्वामी पर आ गया। उन्होंने मीना को तलाक दिए बिना बिंदिया से शादी कर ली। बाद में उनकी पहली पत्नी ने तलाक दे दिया। बिंदिया से भी विनोद मेहरा का रिश्ता ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाया था। विनोद मेहरा को छोड़कर उन्होंने निर्देशक जेपी दत्ता से शादी कर ली। बिंदिया से अलग होने के बाद विनोद मेहरा बिल्कुल अकेले हो गए थे और फिर फिल्मों के दौरान उनकी ज़िंदगी में रेखा की एंट्री हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा विनोद मेहरा पर शादी का दबाव डालने लगी। यही नहीं, गुस्से में आकर रेखा ने कॉकरोच मारने वाली दवा भी खा ली थी। आखिरकार घर वालों की मर्जी के बगैर दोनों ने कलकत्ता में शादी कर ली।
विनोद मेहरा जब रेखा को लेकर घर पहुंचे तो उनकी माँ कमला मेहरा भड़क गई और गुस्से में आकर चप्पल फेंक मारी। रेखा जब अपनी सास का पैर छूने के लिए झुकी तो उन्हें धक्का मारकर दूर हटा दिया और गालियाँ देने लगीं। विनोद मेहरा ने किसी तरह अपनी माँ को समझाया लेकिन रेखा दुखी होकर वहाँ से जाने लगी। विनोद मेहरा ने भी रेखा से कहा कि वो अपने घर लौट जाए। इसका खुलासा रेखा की बायोग्राफी रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी में की गई। विनोद मेहरा की ये तीसरी शादी थी। हालांकि ये दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिनों तक दिख नहीं पाया और दोनों ने अलग होने का फैसला किया। रेखा ने अलग होने के बाद विनोद मेहरा से साल 1988 में किरण नाम की एक महिला से शादी कर ली और उनके दो बच्चे भी हैं, रोहन और सोनिया, और वो दोनों भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। लेट 80s में विनोद मेहरा प्रोड्यूसर बन गए। पैसा बहुत कमा लिया था 62 हीरो, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म शुरू कर दी बड़े बड़े स्टार्स को लेकर, और उस फिल्म का नाम था गुरुदेव और संगीतकार थे R.D. बर्मन। प्रोड्यूसर बनने के बाद विनोद मेहरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बड़े बड़े स्टार्स थे इसलिए रेटों का प्रॉब्लम होने लगा। फिल्म डिले हो गई, डिले हुई तो ओवर बजट होने लगा और बीच में रुक गई। विनोद मेहरा ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही ये दुनिया छोड़ के चले गए 1990 में। बाद में उनकी बीवी किरण ने ये फिल्म पूरी की और रिलीज़ की 1993 में।